जी, मेरे फेसबुक पे जाएगा, प्रोफाइल पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि वादे के मुताबिक आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद साहब, जो कि IBA में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, IBA CED में, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। और सर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ाते हैं, एक ऐसे अंदाज में, और एंटरप्रेन्योरशिप के वो कॉन्सेप्ट जो हमने पहले कभी नहीं सुने थे, और वो सर से हमें हमें उन कॉन्सेप्ट का तारुफ हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह आर अ सर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी यू एंड सम अदर फ्रेंड्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि पहले तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानें कि कैसे एक इंजीनियर जो कि गवर्नमेंट के एक इदारे में थे, और फिर वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ये जर्नी। जी सर, बस जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिश्राली सदरी वयस्सर ली अमरी सवालुल्कतम लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सब तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जनाब, उन्हीं उन्हीं वही सब चीज़ों के मालिक हैं। तो बस वो मेरा ख्याल है कि बेशक अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक में ना जी वो रखा हुआ है मादा इनोवेशन का, जिद्दत का, और या हमें इसी तरह पैदा किया अल्लाह ताला ने, हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपना नुमाइंदा बना कर भेजा है, तो हमें बेचैन बेशक इंसान बना के भेजा है। यानी इकबाल सही कहते हैं ना कि कायनात अभी नातमाम है शायद, ये कायनात अभी नातमाम है शायद, आ रही यस है दमादम सदाए कुन फयकून, कि हर वक्त अल्लाह कुन फयकून की सदा आ रही है। तो अल्लाह ताला ने ना हमें मैकेनिकल रोबोट और CV लेकर और मांगते फिरना और एक ही काम करते चले जाना, और सुबह शाम, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, इसके लिए डिज़ाइन किया नहीं हुआ। एक्चुअली सही अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे इकबाल कहते हैं ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, अगर जिंदा हो ना तो अपनी दुनिया बना। सही अरे मैंने तुम्हें फरिश्तों से बेहतर बनाया, तो फरिश्ते तो जो ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे तुम्हें, ये मैंने ना कैनवस दिया, इसको रंग भर, भरो रंग सही इसमें। तो मेरा ख्याल है कि वो चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था ना वो इतना करप्ट हो चुका था और अभी भी उसी तरह चल रहा है, कि वो इस एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और माइंडसेट को किल कर देता है, सही वो अपना सत्यानाश फेरता है उसका, वो सारे मिलके फेरते हैं, सही पेरेंट्स से लेकर स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज, मीडियम यूनिवर्सिटीज, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, GMAT, सही GRE, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड तक, सारे मिलकर उसका शासन नशर कर देते हैं, और सही नंबर ग्रेड्स का मतलाशी एक इंसान बनाते हैं। सही तो आई थिंक जो हम भी ऐसे ही थे, मेरा बचपन भी ऐसा ही था, वालिद साहब जरा हमारे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से ताल्लुक था, तो जंगलों में, अब बचपन जंगाओं में था, फिर इंग्लैंड चले गए, वहाँ से बैचलर्स किया 60s में। तो सही अमेरिका में आई थिंक वो जो अपना काम खुद करना, लकड़ियाँ काटना, एक्सपेरिमेंट करना, कपड़े धोना, गाड़ी खराब होगी ठीक कर लेना, तो आई थिंक ये हमने अपने वालिद को करते हुए देखा, और फिर सही हमने देखा कि हमारे वालिद साहब स्टेटस कॉन्शियस नहीं थे, यानी PhD सही करने के बाद भी साइकिल पर जाते थे यूनिवर्सिटी, और सही अगर गाड़ी ली तो सुजुकी डाला ले लिया, सुजुकी सही डाले के पीछे जनाब वो लगा दी, बेंच डाल दिए। तो यानी वो हमने ये असल में उनकी जो तरबियत हुई थी ना अमेरिका में, तो वहाँ से हमें पता चला कि PhD MBA हमारा दिमाग खराब हो जाता है, अच्छी डिग्री अच्छी जगह से। तो सही आई थिंक ये वो इकबाल कहते हैं ना, ये वो फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किस्मत किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, कि किसने इस्माइल अलैहि सलाम को सबमिशन सिखाया। तो आई थिंक एक तो हमें वहाँ से, हमें वाले साहब से एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर दूसरा मुझे अर्ली एजिस में तबलीगी जमात के साथ 40 दिन पे जाने का मौका मिल गया, सही और वहाँ पर हमें 40 दिन जमीन, फिर सोना, अपना खाना, कपड़ा, बर्तन धोना, तो इस तरह वो हमें एक एक्सपोजर मिला, और हमने कहा यार ये सादगी, आजी, हर एक को इम्पोर्टेंट समझ। तो आई थिंक ये दो सही चीज़ें जमा हुई, तो हमारे ऊपर वो मेट्रिक, FSC, इंजीनियरिंग की एक जबरदस्ती चीज़ मुसल्लत की गई, वो एक सांचा था जी हमारे पंजाब सही में, होता है उसको कहते हैं दौले शाह के चूहे, तो एक मज़ार सही है वहाँ पर, जो बच्चे हैं ना जिनको वहाँ पर वो रख देते हैं अपना, बच्चों को एज अ नज़र देते हैं, तो उन बच्चों के सरों पर लोहे की टोपी बना देते हैं, तो सही लोहे की टोपी बना देते हैं तो वो उसका सर ग्रो नहीं करता, वो चूहे की शक्ल का सर होता है, जिसम बड़ा हो जाता है।
तो इस वक्त हुआ ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हम सबको धोले शाह का चूहा बना दिया, और सही हम उसकी कोशिश ये है कि वो पहना दी जाए टोपी। उस टोपी को पहनने के बाद फिर जो है ना वो बच्चा वो बच्ची ना वो सही सोच सकता है, वो रट्टा नंबर्स ग्रेड्स और पोजीशंस, अगला दाखिला एनडी में जाना है, वहाँ नहीं हुआ तो बेहतर चले जाना है, तो उसकी फार्मूले याद कर लेना। तो ये तो हम भी इसी में 30-40 साल इसी में गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह की शान ये हुई कि आप सवाल ये था कि कहानी सुनना चाह रहे थे थोड़ी सी, तो मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। तो वो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने का अपना एक निज़ाम है, तो ये अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो मैं पहली पोजिशन भी मेरी आ जाती थी, यूटी में आई एक्सला में मैकेनिकल में, लेकिन आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल कि यार ये पहली पोजिशन भी आ गई है लेकिन ये मैं चीज़ ही नहीं आती। हम रट्टा लगाते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं, नंबर मिल जाते हैं, इसका पता नहीं है क्या कि था क्या जो हमने पढ़ा है। सही। तो ये फिर एमएससी इंजीनियरिंग थाईलैंड से करने का मौका मिला, वहाँ कुछ थोड़ा सा इंटरवेंशन हुई, थोड़ी सी बेहतरी हुई। वहाँ ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सवाल जो एग्जाम में आते थे पेपर में जाकर पता चलता था कि सोचना पड़ेगा, उससे पहले तो सोचने का रवाज नहीं था मैट्रिक एफएससी इंजीनियरिंग में, तो वहाँ थोड़ा सा रट्टा होगा। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये मेरा हाल हर एक के साथ है, तो बस मेरे साथ भी हो गया, बाकी के साथ भी हो रहा है इस जमाने में तेजी के साथ। तो वहाँ से फिर वापस आए और फिर गौरव के साथ आपको में जॉब करने का मौका मिला, तो वहाँ पर गौरव को हमने देखा कि यार ये डिप्लोमा किया होते थे हमारे गोरे, लेकिन वो सीईओ थे, बड़े मैनेजर थे, तो हमने देखा कि यार ये लोग मशवरा करते हैं, गौर करते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं, और स्टेटस का ये हर एक वो इंसान समझता है। यानी ये मेरे कमरे में आएगा सीईओ कैंटीन देर देगा, शाहिद टेबल पर बैठ जाएगा, हाँ भाई क्या हाल है शाहिद, और जो हमारा खैर मैट्रिक वाला होगा, आठवीं जमात वाला खैर फोरमैन फिटर हेल्पर होगा, उससे भी हाथ मिला लेगा। यानी ये हमने ये देखा कि ये तो चीज़ें हमारी थी, कि हमारा जो वाडा का ऑफिसर है, हमारा जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो घंटी बजाता है फिर चाय आती है, फोटो कॉपी बनाने के लिए मुलाजम भेजता है, वो टाइप नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, वो चाय नहीं बना सकता, तो वो यानी उसने अपने आप को जंजीरों का कैदी बना लिया इतना पढ़ लिख के, उस इंजीनियरिंग की डिग्री, उस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर वो अपने वो यानी वो उसके पाँव में जंजीरें डल गई हैं। ये गौरव को देखा तो यहाँ से फिर हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हुई, और हमें मालूम हुआ कि यार ये तो अहम दीन है, ये तो अहम सलाम करना, मुस्कराना, खैरियत पूछनी, लोगों को हेल्प करना, ग्रो करनी, तो इस तरह मानसा भी हमें अल्लाह ताला ने देखने का मौका मिला। तो मे भी तो वो चीज़ें एक एक लावा फट अंदर डेवलप हो रहा था, सही। और वो फिर वहाँ से मैं लम से चला गया एमबीए करने, और हमारा ख्याल था कि हम मैनेजमेंट सीख लेंगे ताकि और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें, लेकिन वो बाद में पता चला कि उसमें अच्छी चीज़ें तो हैं लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो गैर मुतल्लिका हैं, और वो जो बकौल इकबाल के जी दियारे मगरब के रहने वालों, दियारे मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, ये वो मगरब के वेस्ट के रहने वालों जितने भी इंसान है ना, ये कमोडिटी नहीं है, इनकी कीमत नहीं है। तो दुनिया भर के जो बिजनेस स्कूल्स हैं इंक्लूडिंग लंदन, लाहौर, अमेरिका से, और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, वो क्या सिखा रहे हैं? वो तो ये सिखा रहे हैं कि हर इंसान की कीमत है, हर इंसान बिकने के लिए है, उसकी एक कीमत है, उसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, जैसा लोहा लकड़ी पत्थर। तो वो वहाँ से फिर जो है ना वो हमें, हम आ तो गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ फिर अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू कर दिया। सही। यार हमने तो आए थे सीईओ बनने के लिए, एचआर टीम बिल्डिंग सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मायार है वो बोलना है, जो ज्यादा बोलेगा उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बेचारी बोलेगा जी, अंग्रेजी बोलेगा, मुंह टेढ़ा करके बोलेगा, गोरों के नाम 15-16 बोलेगा मेरी तरह जी, और बाय द वे मेरा एक्सेंट थोड़ा सा अमेरिकन इसलिए कि मैं बचपन मेरा अमेरिका में गुजरा, तो इसलिए मैं माजरा चाहता हूँ कि मैं वो नकल नहीं उतारने की कोशिश करता है अमेरिकन की, वो बिल्ट इन है ऐसा एक्चुअली। तो मैं अपनी सामने से वादत करना चाहता हूँ कि हम तो ये समझते हैं कि देसी जर्मन, अभी हमारे जर्मन दोस्त अभी आप आए हुए थे उस दिन, डैनिश दोस्त, वो अपने एक्सेंट में बोलते हैं इंग्लिश, दे डोंट केयर अबाउट अमेरिकन एक्सेंट, दे डोंट केयर अबाउट ब्रिटिश एक्सेंट, वो जो कि हमारे अंदर गुलामी का भी है असर, और अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, तो मेरा एक्सेंट इसलिए है कि वो मेरा चूँकि 3-4 साल गुजरे हैं वहाँ, तीसरी चौथी पांचवी में फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो इसलिए जो मेरा भाई वहाँ पैदा हुआ है ना, वो पैदाइश के बाद पाकिस्तान आ गया था, वो उसका एक्सेंट इतना नहीं है, वो पाकिस्तानी एक्सेंट से अब जाकर 20 साल बाद उसका एक्सेंट कुछ हुआ है। सही। तो
तो वहां से मेरे प्यारे भाई और लम्स का जमाना, अच्छी जगह है, मैं टोटली डिनाई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे नेक लोग भी हैं वहाँ पर और अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर जहूर साहब हमारे उस्तादियों के उस्ताद हैं, बहुत सीखा हमने, लेकिन उस सब का जो मकसद और महबर था वो यही था कि इंसानों को कमोडिटाइज, बेचना है, खरीदना है, इनसे इस्तेमाल कर। तो वहाँ से फिर हमारा एक, तो ये जिंदगी में एक मौका एक ऐसा है जिसने हमारे ऊपर वो जो टोपी थी ना लोहे की, दौले शाह के चूहे की जो टोपी थी जी जी, वो उठाकर फेंक दी, तो वो जो सर जो है ना उसको बड़ा होने का मौका मिल गया है लोकाल पर। मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं एक, तो वो जो सर जिसको आपने समेट कर रखा हुआ था ना, वो मौका ऐसे मिला कि वो गुजरांवाला के एक साहब थे अनवर टाट साहब, वो कहते थे कि यार वो अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी और वो मैट्रिक किया हुआ था, एफ ए कप्तान में फेल थे, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो वो छोटे काम करते 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 वो डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी के फाउंडर बन गए और इस तरह, और रियल स्टेट और दूसरे जगहों में भी बिजनेस शुरू हो गया, और उन्होंने फिर एक यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा कर लिया गुजरांवाला शहर। तो वो लम मैं थोड़ा सा जितना मेरा ताल्लुक सबके साथ था वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सर को सर से जो मेरा सबसे पहला ताल्लुक रहा वो रहा अब्दुल साकिब साहब की एक बुक है कामयाब लोग, तो वो कामयाब लोग किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला, और किताब को तो अब्दुल साकिब साहब ने लिखा जिसमें चुनौती बिजनेस बिजनेस मैन अफराज है की स्टोरीज, और उसके एंड में एक चैप्टर सर ने लिखा। अच्छा, वेलकम बैक सर। मैं लोगों को बता रहा था कि आपने अमजद साकिब साहब की किताब में एक चैप्टर लिखा था एक एंड में, जिसको मैंने सबसे पहली दफा पढ़ा था, जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे समझे कि गायबाना ताल्लुक तब बना था। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा सॉरी, बीच में अगर कोई मसला हुआ तो इसी तरह कर लीजिएगा। जी जी, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, तो मेरे प्यारे भाई वो जो डार साहब थे ना, जो 12 जमात फेल थे, वो तो वो यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला कर लिया कि मेरे पूरे रीजन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और वो डार साहब भी उनको इतना सेंस था कि मैंने टीयर टू नहीं जाना, मैं टीयर वन जाऊंगा और लम्स वालों को कन्विंस करूंगा कि आप एक दो बंदे मुझे दें और मेरे काम में मुआवनत करें। उनका जज्बा देखे, उनका विजन देखे, तो वो लम्स वालों ने प्रोफेसरों ने तो ऐसा उनको जहर, वो बिजी होते हैं लाहौर के, अपनी एक फजा है, वाई विल समबडी गो टू ठट्ठा, कौन जाएगा भाई यहाँ से, ना कराची के रहने वाले पीएचडी अगर हों आईडी के ठट्ठा क्यों जाएं, तो वो उन्होंने मेरा तारफ करा दिया। अब डार साहब जाने की वो मोहब्बत करने का फन, ये भी इसलिए हम कहते हैं ना कि जनाब ये डिग्रियों वालों को मोहब्बत करने का फन कहाँ से आएगा, यानी इनको ना सलाम करने का फन है, ना मुस्कुराने का फन है, ना मोहब्बत करने का फन है। तो अल्लाह ताला में डिग्री को मैं नहीं कर रहा, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यानी वो इतनी मिसिंग हो गई है, वो उन्होंने मेरा तारफ, वो चीज़ इतनी मिसिंग हो गई है। देखना ये लामा इकबाल फरमाते हैं कि जनाब निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, आ रही है बात जी, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए, यानी आप अपनी जाती सतह से उठकर, आप कम हिम्मती से सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर देखो ना यार, सुखन दिल नवाज जुबान मीठी रखो, जहाँ पुरसोर इम्पैथाइज करो, दूसरे के शूज़ में बैठकर देखो ना यार, गरीब के, फकीर के, दोस्त के, यतीम के, ये हमारे कंटेंट में कहाँ है, हमारे कोर्स में कहाँ है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यही लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। तो जनाब वो डार साहब ने कैसे बात की, शाहिद भाई आप ही की तो तलाश थी, वो देखें पूरा इलाका खाली पड़ा है, आप मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, आओ मिलके इसको तामीर करें और लोगों के लिए खिदमत का जरिया बन जाए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वापस जाएंगे, सीईओ बन जाएंगे, क्या करेंगे, अमीरों को अमीर बनाएंगे और कुछ गरीब मजीद गरीब हो जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी की सही सही का हासिल क्या होगा, कुछ लोग और अमीर हो जाएंगे और कुछ गरीब और गरीब हो जाएंगे। अब ये कौन बंदा कह रहा है, ये देखना ये एक मेट्रिक पास बंदा हमें कह रहे हैं, हाँ जी, उन लोगों को कह रहे हैं जो 10-10 लाख रुपए देकर एमबीए कर रहे हैं, जनाब फन्ने खाम बने फिरते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और वो जनाब वो मुझे ले गए, चाय पिलाए, कॉफ़ी पिलाई, गुजरवाना ले गए, वो एक महीने के बाद हमने तय किया। तो ये मेरी, तो वो जो खौल है ना वो हमारा उतरा, तो उससे फिर वो हमें देखने का मौका मिला कि इंसान
जो है ना वो फिर बचपन की पुरानी चीज़ें भी रिकॉल हो गई, और फिर वहाँ 2 साल हमने काम करने का अल्लाह ने मौका दिया, और उसकी बुनियाद ये थी कि वहाँ सेकंड थर्ड डिवीजन के बच्चे को भी हम देखेंगे, अगर उसके अंदर शौक जुनून पोटेंशियल जो हम इंटरव्यू करते थे एडमिशन अनमें जी आर मैट एडमिशन टेस्ट जो है ना ये आपकी शख्सियत को 10-15-20% मेजर करेंगे बस, 80% तो मैर मलक को जानेगा नहीं कोई, उसका अजम जिस काम आजी इंकसारी छोटे काम करना सलाम करना चीज बेचने की सलाहियत हाँ जी झुक जाना इशार कर देना कुर्बानी करना मुस्करा देना तो ये तो ये तो नहीं हो रहा जी मैट जी आर जी ये हमारे जितने भी टेस्ट हैं ये हमारे जनाब फलाना ग्रेड अकेडमी है और फलानी अकेडमी है हाँ जी वो जनाब कोई अंग्रेजी सिखा रहा है कोई मैथ सिखा रहा है जनाब इन अंग्रेजी और मैथ का अच्छे इंसान से कोई ताल्लुक नहीं अच्छे मैनेजर से कोई ताल्लुक नहीं तो मैं उसकी नफी नहीं कर रहा तो उसका कुछ रोल हो सकता है लेकिन एक अच्छा इंसान से क्या ताल्लुक सही वहाँ से फिर हमारे ये हमारा जो मिथ और वो जो खोल टूटा कि इसमें ऐसे बच्चे आए जो दरमियाने दर्जे के थे लो दर्जे के थे और हमारा कोर्सेज चेंज किए गए कॉन्टेंट चेंज हुआ उर्दू में ज़्यादा चले गए इंग्लिश का खुमार हमारे अंडरग्रेड में है तो हमने कहा उर्दू में पढ़ाओ यार क्या मतलब है तो हमारा अपना अनलर्निंग शुरू हुई कि इंग्लिश का खुमार तोड़ना पड़ेगा उर्दू पंजाबी सिंधी की मिसालें दो लोकल केसेस लेकर आओ छोटे केसेस लेकर आओ ये हार्वर्ड के 20-20-30-30 सब केसेस जो है ना मैं नहीं कह रहा ये हार्वर्ड का एक केस है सेरेंगेटी आई गया वो कहता है कि उठाकर बाहर फेंक दो इनको यार ये 30 सफ़े का केस कौन पड़ेगा ये 4 घंटे 6 घंटे का कितना इसको जब तक 3 दफ़ा ना पढ़े तो उस वक्त तक पूरी समझ नहीं आएगी आप छोटे केसेस लाओ लोकल केस लाओ रेलेवेंट लाओ तो ये अल्लाह की तरफ से होता चला गया और फिर मैं जर्मनी चला गया वहाँ पर पीएचडी के लिए अल्लाह ने भेज दिया और वहाँ पर और अनलर्निंग हुई ऐसे उस्तादजा कराम मिल गए जो ये कहते थे कि इंसानों को मेजर मत करो इंसान जो है अगर वो जल्दी जवाब दे वो भी एक खूबी है आधे घंटे बाद जवाब दे एक अलहदा खूबी एक अलहदा खूबी है 6 महीने के बाद जवाब दे एक अलहदा खूबी है और जवाब ना दे वो भी एक खूबी सही तो हर चीज़ का जवाब देना जरूरी थोड़ा है इम्तहान में मिड में मतलब ये आपने और हर चीज़ का और किसी सवाल का एक जवाब भी नहीं होना चाहिए जितने बंदे हैं उतने जवाब थोड़ी सी तरह मैं मुश्किल बातें कह रहा हूँ लेकिन आई होप के हमारे सामने उसको बर्दाश्त कर देंगे कि इसका मतलब है कि टीचर भी ठेकेदार नहीं है टीचर भी ठेकेदार नहीं है कि उसका जवाब हतमी है उसका जवाब एक जवाब है तो जितने बच्चे हैं उनके भी उतने जवाब हैं तो उसमें अजम्पशंस लेने की आज़ादी हो और सोचने की और जवाब गलत देने की भी आज़ादी हो और टीचर भी सीखे वो भी सीखे दोनों मिल के सीखे तो ये मेरा मुख्तसर सा तारफ है हमारे साहब हम तालिबे इल्म में आए थे एक ऐसा सफर है जो ता मौत और इसलिए फरमाया ना कि इल्म हासिल करो वहाँ की गोद से लेकर आखिर तक तो ये आई थिंक जारी रहेगा तो इस चीज़ ने हमें इस तरफ मतवज्जो किया कि हम अवामी बन जाएं अवामी क्योंकि हर आदमी स्पेशल है कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के आदमी भी स्पेशल हैं सर सैयद वाले भी स्पेशल हैं पॉलिटेक्निक वाले भी स्पेशल हैं मैट्रिक वाले भी स्पेशल हैं थर्ड डिवीजन वाले भी स्पेशल हैं कौन नहीं है तो ये मुख्तसर सा तारफ हो गया तो थैंक यू वेरी मच जी सर अच्छा मैं सीधा आ जाता हूँ ज़रा आपका जो जो मॉडल है जो आप पढ़ाते हैं इफेक्चुएशन थ्योरी तो अगर एक बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो हमारे यहाँ बड़े अजीब यानी बिजनेस को सोचते ही या तो लोग बहुत बड़ा सोचते हैं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी एकदम से कोई बहुत बड़ा काम होगा या फिर वो एक स्टार्टअप वाली सोच है कि बस कुछ नया आइडिया लेकर आना है और वो आइडिया के ऊपर ही काम हो रहा है लेकिन आपसे जो हमने सीखा मैं चाहूँगा कि वो आप ये अल्फाज से ही सब ऑडियंस के सामने वो चीज़ें जाएं कि वो वर्ड्स इन हैंड और जो हो उससे काम शुरू कर देना तो ज़रा बताएं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या लंबी प्लानिंग या बहुत ज़्यादा फाइनेंस या बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है या इज इट इजी या शुरुआत करना आसान है जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण ताला ही बढ़े जी वंस अगेन इसमें हम तो असल में ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बाद में आती पहले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट दिया जाए और उसको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी बाद में आता है हम कहते हैं कि पहले जनाब एंटरप्रेन्योरशिप भी तो 100 साल पुराना लफ्ज है ना ऐसा थोड़ा भी है हमारे गौरों ने कोई चीज़ दरख्वास्त कर दी ऐसी नहीं है बात कि जनाब कोई धमाका हो गया हमारे हाथ में कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जब से इंसान बने हैं जब से अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो तो जद्दोजहद वाली ज़िंदगी गुजारते थे मेहनत वाली
और एफर्ट वाली और अपनी दुनिया पैदा करते थे। तो अल्लाह सुब्हान और सही इसको कुरान के अल्फाज में वल्लज़ीना जाहदू, अरे तुम जद्दोजहद करो, तो जद्दोजहद दीन की भी है और उसके सही साथ जो जिमनी चीज़ें हैं उनको भी, दीन की कमाना खिलाना, फैमिली को सपोर्ट करना, सही एग्रीकल्चर, घरें बनाई, कपड़े सिए इदरीस अलैहिस्सलाम ने, तो ये सारी एक सादगी, आजजी, किफायतशारी और खुदी वाली जिंदगी, किसी से नाम मांगना, तो ये जिंदगी का नाम ही तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो मतलब फ्रांस में सही इनकलाब करने दफा से एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज पेश कर दिया, या 10 सालों से पाकिस्तान में हर गली कूचे में एंटरप्रेन्योरशिप की आवाज़ आ रही, तो यानी वो ऐसा कोई जी नई जी चीज़ के पहले थी जब से इंसान बना। सही और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत करते थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ना एक शानदार मतलब एंटरप्रेन्योरशिप प्लस कहेंगे उसको, मैं प्लस कहता हूँ, प्लस इसलिए कहता हूँ कि वो तो ईमान के साथ करते थे, वो सही तो इखलाक के साथ करते थे, वो तो हमदर्दी और मोहब्बत सही के पैगाम के साथ करते थे। तो जब वो कहेंगे तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज छोटा पड़ जाएगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्लस का लफ्ज भी छोटा पड़ जाएगा। इसके लिए सही पता नहीं कहाँ से कोई कुरानी लफ्ज हमें तलाश करना होगा, ये नफ्स मुतमैना है, ये हयातन तैयबा का लफ्ज इसके लिए ज्यादा सूट करेगा। तो चूंकि हम इस दौर में रह रहे हैं इंग्लिश में हमें यूज करनी सही पड़ती है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप तो हम जिस वक्त यूज कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्लस मॉडल, ठीक है जी। तो हम भी कहते हैं कि भैया आप सही कारोबार तो शुरू हो ही जाएगा यार, आप इतनी जल्दी क्या है, आप जब पैदा होता है बच्चा तो क्लास टू थ्री, सही 1 2 3 माँ की गोद से ही ऐसा हो यार, माँ की गोद से ही हो ना, और बचपन में स्कूल कॉलेज सही पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ भी ले लें, लेकिन बचपन से बर्ड इन हैंड डेवलप किया जाए। बर्ड इन हैंड कहते हैं हु यू आर व्हाट यू नो एंड सही हुम, यानी बच्चों को पैदल, साइकिल, स्विमिंग, लिखना, खत्ताती, शायरी, अदब, परिंदे पालना, जानवर रखना, ज़बह करना, गोश्त मारना, तकसीम करना, खाना पकाना, खाना तैयार करना, सब्जी काटना, ये आर्टिकल माइंडसेट की निशानी है। आपने कपड़े कर धो लेना, बाथरूम साफ कर लेना, हाँ जी मोहल्ले में किसी की हेल्प कर देना, किसी को अस्पताल ले जाना, तो ये सारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की निशानी है। और उसके बाद आप हम ही कहते सही हैं कि आप मैट्रिक करें तो उसमें कोशिश करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ें तो कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें, उसको रट्टा मतलब आए हमारे बच्चे टीचर्स भी, सही और उनको यूट्यूब पर उनकी बेशुमार पिक्चर्स और कार्टून और सिमुलेशंस बनी हुई, उनको देख कर समझें कि जनाब सही ओहम्स लॉ क्या है, तो उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखें बजाय इसके अगर रट्टा लगाएं, ताकि वो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन इर्द गिर्द इस्तेमाल हो रही है ना हमारे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को जानना ये सही भी दीन का इल्म है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, आपका वर्ड इन हैंड बढ़ जाएगा। तो आप मैथ को रट्टा मत लगाएं, और आप ये सही देखें कि मैथ को अभी एक स्कूल है ल्यूमिनार स्कूल ब्राज़ील में, वो ये कहता है कि हम इनको कहते हैं कि सही बेटा ये फुटबॉल कर, जिसको जो जो शौक है ना, हाँ भी फुटबॉल है ना, ये फुट्टा इतना होता है, अब तुम बताओ इस पूरे फुटबॉल ग्राउंड की पैमाइश कैसे करेंगे, इसका मुहित कितना है। अब बच्चे सोचते हैं फिर सही फुट्टा बढ़ कर कोशिश करते हैं काउंट करें, फिर तो वो उनको इस तरह सिखाते हैं, तो अमल के मैदान सही में, तो वो हम ये कहते हैं कि बर्ड इन हैंड शुरू से डेवलप किया जाए, और उसके बाद सही दोस्तों को मिलने दिया जाए कंट्रोल्ड, अपने खानदान के लोगों से सलाम दुआओ, ससुराल, ददियाल, ननियाल, सही यहाँ पर भी बच्चों का सलाम दुआओ, लोगों को बताओ हमारे खानदान में लोग कौन है, ताया, चचा, नाना, उनके अंकल क्या करते हैं, इसलिए नहीं कि लालची, इसलिए कि हमें सही उनकी दुआएं लेनी है, उनसे हमने सीखना है। हर खानदान के अंदर जनाब सैकड़ों लोग सही मौजूद हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मिनिस्टर है, कोई, तो सही वो उनका इल्म, उनकी 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 नेटवर्किंग तो खानदान में भरी हुई है, तो उसको 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 सिखाएं क्लास 7 8 सही 9 10 11 12 में, फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छी तरह पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट हो कॉन्सेप्चुअली हो, और उसके साथ साथ जुबानें सीखी जाएं, सिंधी, सही मेरे तरफ बेशक कराची के लोगों पर आई थिंक बच्चों को सही लाजमी है सिंधी और बलोचि पश्तो आनी चाहिए, और पंजाब के लोगों सही को एक दो इंटरनेशनल जुबानें आनी चाहिए, और उसके अलावा स्विमिंग, को हॉबी और पैशन आइडेंटिफाई करें, तो ये और साथ छोटे, तो सही ये जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह जब आप इसको हम कहते हैं बर्डन है, तो फिर जब सही आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ना, भी वो हम ये नहीं, ये भी नहीं कहते हम मेहर भाई के जनाब हर कोई आदमी उठे और मुंह उठाकर शुरू कर दे, एंटरप्रेन्योरशिप सही जो है पायदार एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हमारे अक्सर सोचने वाले हजरात हैं वो कहते हैं 30 35 साल की उम्र बना सकती है,
सही उसका मतलब ये है कि 30-35 साल में जाकर आदमी, और कुरान भी 40 साल कहता है वैसे, 30-35 साल के सही ऊपर जाकर वो मेच्योरिटी आती है जिसमें बर्डन हैंड बनता है, किसी चीज का, किसी चीज में महारत हासिल होती है ना। तो सीएस के जो बच्चे हैं उनको जरा जल्दी मिल जाती है महारत, और अगर किसी ने महारत हासिल करनी है फिर पॉलिटेक्निक में चले जाए, वहां पर 6 महीने का वेल्डिंग का कोर्स कर ले, फिनिशिंग का कर ले, और 2-3 साल प्रैक्टिस कर ले किसी, तो ही कैन डू इट राइट। जो डिग्रियों वाले हैं ना, इनको नहीं आएगा इतनी जल्दी कुछ, ये डिग्रियां लेकर के खाली हाथ रहेंगे। इनको डिग्री के बाद, हमारे यहाँ मशहूर था पावर जनरेशन में कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद 10 साल लगते हैं अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, तो आपने 25 साल में इंजीनियरिंग की तो 35 साल में जाकर बनेंगे, और वो भी इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि ज़हनियत गुलामा है, वो तो जॉब के लिए आप गए हुए हैं, आप तो सिर्फ हुक्म के गुलाम है, वहाँ वहाँ भी लिमिटेड ही सीखे। तो ये जो पहला प्रिंसिपल है हमें बर्ड इन हैंड, ये बचपन से चलना चाहिए, क्लास जीरो से, माँ की गोद से, हु यू आर, व्हाट यू नो, होम यू नो के ऊपर काम होना चाहिए। और उसके साथ दूसरा प्रिंसिपल है अफोर्डेबल लॉस, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कि आप इतनी छलांग लगाओ जितनी बर्दाश्त करते हो, ये भी बचपन से होना चाहिए। छोटे एक्सपेरिमेंट करना, ट्रैवल करना, मुझे याद है एफएससी में मेरा दाखिला हुआ था दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो 1984 की एक सुबह को मैं फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन से बैठा और आगे मुझे कोई छोड़ने नहीं आया स्टेशन, मैंने टिकट खुद खरीदी, बर्थ भी नहीं मिली, एक स्लीपिंग बैग पकड़ा, वो तो तबलीग वालों की बरकत से वो स्लीपिंग बैग हमारे पास थे, हमें 3 दिन 40 दिन लगा चुके थे, तो हमें पता था कि कोई बात नहीं, बिस्तर बचाओ कहीं लेट जाएंगे, तो अफोर्डेबल लॉस का पता था कि कोई बात नहीं, बर्थ नहीं मिली तो फिर भी बैठ जाएंगे, मिल गई तो ठीक, वो बर्थ नहीं मिली मुझे, वो मैं खड़े हुआ, गाड़ी चली 2-3 घंटे बाद जाकर बैठने की जगह मिली, और फिर जाकर हमने, इतना रश था, एक सीट के नीचे जगह थी, मैंने वहाँ स्लीपिंग बैग बढ़ाया उस वक्त, तो कराची मुझे कुछ जानने वाला ही नहीं था, मेरा उस वक्त दूर के रिश्तेदार थे, उनका नंबर लिया हुआ था, सही, कोई मोबाइल नहीं था कोई यार, तो ये जरूरत हमारे बच्चों में कैसे पैदा होगी। हमारे बच्चे तो जनाब सदर जाने को तैयार नहीं है जनाब, हमारे माए फादर जो हैं तो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी रोड नहीं पार कर सकते, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे, ऑन एवरेज बात करो तो ठीक है, अफोर्डेबल। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि सही, हम कहते हैं कि कोलैबोरेशन, उसको हम पहले ले आए हैं आजकल, वो ये है कि खुद कि आप अपना जो आइडिया है या अपना जो प्रोजेक्ट है या जो आपको अपना सही जो काम करना चाहते हैं दूसरों से इंटरेक्ट करना शुरू करें, लोगों से पूछें और उनसे राय लें, उनको इंगेज करें, तो उससे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मशवरा देने वाले दोस्त अहबाब, और ऐसे मुआविन बन जाएंगे खानदान में से, बीवी भी हो सकती है जिनकी शादियाँ हुई हैं, ससुराल ददियाल दोस्त हमसाया मोहल्ला टीचर प्रोफेसर स्कूल टीचर, राह चलते भी दोस्त मिल सकते हैं, राह चलते भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं क्वेल्ट प्रिंसिपल। और फिर चौथा प्रिंसिपल ये है कि वो कि इसके अंदर आएंगे सरप्राइजेस, यानी आप करने, आप देखो ना कि मैंने तो इंजीनियरिंग करने गया था, हाँ जी मुझे पता था कि 1985 में ट्रेन पे 84 में ट्रेन पे बैठते मैं जा रहा हूँ कराची दाऊद में, दाखला भी मेरा हो गया था, तो मैं एक वक्त आएगा आईबी कराची में पढ़ा रहा हूँ, और मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, यानी सारी जिंदगी हम नाग इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और डिजाइन और फार्मूले पढ़े हैं, वो काम किया है, और अब जनाब पटरी ठीक है जी, तो सरप्राइजेस आएंगे, तो उन सरप्राइजेस को अल्लाह की तरफ से समझना है, और उन सरप्राइजेस के अंदर खैर तलाश करनी है, और उन सरप्राइजेस के अंदर कोई अल्लाह का पैगाम तलाश करना है कि हो सकता है इसके अंदर कोई चीज़ छुपी हुई हो मेरे लिए, कोई गैबी चीज़, कोई इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है जी। तो ये जो चारों प्रिंसिपल हैं, ये जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, ये इन चारों के उल्ट चलता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ ताकि ये उल्ट क्यों चलता है, ताकि हमारे सामीन को, हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है मैट्रिक इंजीनियरिंग, वो ये कहता है कि कैरियर प्लानिंग करो, वो कैरियर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CSS करना है, और वो आपके बर्ड इन हैंड की तरफ तवज्जो नहीं दिलाता, और आपको विजन दिखाकर ख्वाब दिखाकर जो उस ख्वाब के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो कहते हैं हमारे बेटा ये देखो, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, ठीक है। तो वो आपको आपके अपनी अंदर की सलाहियतें उजागर करने का मौका नहीं देता। नंबर टू, वो आपको कैलकुलेटेड रिस्क की बजाय वो ये कहता है कि बड़े बड़े काम करने ना यार, नो रिस्क नो रिटर्न, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये फार्मूला बताते हैं फाइनेंस की किताबों में, यार छलांग लगाओ, अरे ये कमजोर बुजदल मत बनो,
अल्लाह के बंदो, जो मेमन चिन्होटी दोरा जी एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कि जनाब आप जो सहूलत का रास्ता अख्तियार करें, दो ऑप्शन हो और उनमें से जो आसानी है वो अख्तियार करें। आपको बेलने में बाजू आया हुआ है, आप क्यों इस तरह के पंगे करने में, आप ऐसा एडवेंचर क्यों कर रहे हैं? आप सहूलत का रास्ता अख्तियार करें, एक सहूलत को करेंगे उससे सलाहियत बेहतर होगी, उससे बड़ा छलांग लगाएं। पहले आधे फुट की छलांग लगाना सीखें, फिर एक फुट की लगाना सीखें, और फिर दो फुट की लगा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सलाहियत बढ़ जाएगी, मसल्स बड़े हो जाएंगे, और जनाब मैर साहब गद्दर फॉर्म का इंतजाम कर देंगे तो आप छलांग 2 मीटर की लगा देंगे, ठीक है जी। तो आप दोस्त बन जाएंगे, कोलैबोरेटिव बन गए, तो फिर और बड़ी छलांग लगा दें, और पैराशूट बांध कर और नीचे जनाब बेशुमार लोग खड़े हो नीचे लेकर, फिर भले बुर्जुल खलीफा से छलांग लगा दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका सिक्योरिटी नेट बन गया ना। आप तो हमारे प्यारे इतने भाई हैं डिग्रियों वाले, पैसों वाले, लाखों की डिग्रियां दे रहे हैं, ये इसके उल्ट पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो तो ताबुन का जहन है वो कहते हैं जी मुकाबले का जहन पढ़ाते हैं कि जनाब उमैर साहब से छुपा कर रखो, कि उमैर साहब को मेरी चीज़ पता चल गई तो गए, तो ये उससे ये होता है कि ताबुन के इम्कान, सीखने के इम्कान कम हो जाते हैं। और ये बात इनको समझ नहीं आ रही, और हमें भी अल्लाह समझा दे कि उमैर साहब हैं, शाहिद कुरैशी ये हैं, उमैर शाहिद नहीं बन सकते, शाहिद उमैर नहीं बन सकता, और दुनिया में कोई आदमी एक दूसरे की कॉपी कर ही नहीं सकता यार। जो कॉपी करेंगे ना तो वो बुरी बात नहीं है। हमारा दोस्त प्रोफेसर जे राव बैप्सन का प्रोफेसर कहता है कॉपी करो, तुमसे कॉपी नहीं होनी यार, वो कहता है कॉपी करो, दबा के करो, तुम्हारे अंदर ही निकल के आएगा। कॉपी करने से सिर्फ ये फायदा होता है कि हौसला मिल जाता है, आदमी के सामने एक रोल मॉडल होता है, उसको देख कर वो करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं करें, लेकिन वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि वो हो ये करता रहा कॉपी, लेकिन मेरे अंदर अपनी एक शख्सियत उभर रही है, और उस शख्सियत को तलाश करके फिर अपने अंदाज से करें, कॉपी करें, लेकिन उस प्रोसेस के बाद आपको अपनी शख्सियत की इंटरेस्टिंग खूबी नजर आएगी, उनको दरियाफ्त करके फिर अपने अंदाज से करते रहे, वो असल निकलेगा, वो जो असल निकलेगा वो दुनिया में हर एक के लिए मुनफरद हो या नहीं। तो कॉपी करने को हम बिल्कुल इनक्रेज कर रहे हैं, और ये हमारे उस्ताद हैं प्रोफेसर जे राव बैप्सन के टॉप नॉच प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे ताकीदन कहा कि कॉपी करना बुरी बात नहीं, दबा के करें, ठीक है जी। तो आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब लर्निंग के ऊपर किसी की ठेकेदारी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है और अल्लाह ने हर एक को, ठीक है जी। तो ये उसके बाद जो था वो सरप्राइजेस, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है सरप्राइजेस बुरे होते हैं, वो प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, सरप्राइजेस नहीं आने चाहिए, तो हमारी मैनेजमेंट का जोर इस पर होता है। तो इफेक्चुएशन थ्योरी कहती है अल्लाह के बंदो वमा करू वमा कर अल्लाह, वमा करू वमा कर अल्लाह, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अरे इंसानों, एक तुम्हारी प्लानिंग है और एक मेरी प्लानिंग, और अल्लाह की प्लानिंग गालिब है, तो आप जो मर्जी कर लो उसके अंदर वेरिएशन आनी है, तो उस वेरिएशन को एंजॉय करो यार, उसको अल्लाह का, उसको अल्लाह की निशानी समझ कर, उसको अल्लाह की रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुभानक फकीना अजाबन नार। अरे अल्लाह सुभान तआला की वेरिएशन को, वैरायटी को, और उनकी कुदरत को, और उसकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, और कहो कि अल्लाह ताला आप बड़े ज़बरदस्त हैं, आप हैं बड़े कमाल के, वाओ। हाँ जी, वो शायर कहता ना, मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियाँ, मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियाँ, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। मैंने तो एक उल्टा सीधा काम किया था, और वो देखा तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो अजीब चीज़ बन गई। तो क्या ख्याल है हमारे साहब, आपके अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा हो रहा है ना, आप तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं सब लोग कर रहे हैं उल्टी सीधी हरकतें, और वो ऊँट जो है ना कोई पता नहीं होता ऊँट किस करवट बैठेगा, वो ऊँट जो है किसी न किसी करवट बैठ जाता है माशाल्लाह। तो फिर इसके बाद कहना चाहिए ना, फिर रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला सुभानक फकीना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। ठीक है जी, अब काफी हो गई जी हमारे साथ। जी सर, ये एक सवाल आया कि जो COVID-19 पेंडेमिक है, अब वो कहेंगे इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या आपके आप क्या कहते हैं कि क्या असर पड़ेगा, या थोड़ा सा ये जो गिग इकोनॉमी का भी एक लफ्ज़ है ना,
मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी बात कर लें, और फिर एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप ना जो जो सीईडी से निकले हुए लोग हैं, यानी जिनका आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन, मैं चाहता हूँ 2-4 बिजनेसेस आप हमें बता दें लोगों को, ताकि हम सबको एक मोटिवेशन मिले कि यार ये देखो ये आइडिया लेकर आए तो इसने फौरन काम किया और अल्लाह ने उसके आइडिया को जो है ना वो वजूद अदा कर दिया। ये दो चीजें जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल देते हैं, ऐसी जगह से रोजी देते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। वमन यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह ताला पर कर लेता है ट्रस्ट, वहुवा हस्बू, उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यत्तकिल्ला यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा, और जो अल्लाह ताला पर कर लेता है इख्तियार तकवा, हम उसके कामों को आसान कर देते हैं। तो ये कोविड जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आई थिंक अपॉर्चुनिटी है, एक वार्निंग है, एक सिग्नल है, दुनियावी एतबार से भी एक सिग्नल है, आखरत के एतबार से भी सिग्नल है। दुनिया के एतबार से सिग्नल इस तरह है कि इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे थे, 10-20 साल से शोर मचा रहे थे स्टेक होल्डर थ्योरी के जो बानी हैं, एड फ्रीमैन कह रहे थे 1984 से कह रहे हैं 80 से, ये दुनिया फ्री फॉल में जा रही है। फ्री फॉल कहते हैं जहाज से किसी को फेंक दें पैराशूट के बगैर, उसको कहते हैं फ्री फॉल। तो जो फ्री फॉल है, जब नीचे गिरेगा क्या होगा इसका, इसका तो कीमा भी नहीं मिलेगा। सही, क्योंकि जिस तरह की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और हमने इंसानी कदरों की और माहौलियात के साथ जो हमने सलूक किया है ना इंसानों ने मिलकर, गाड़ियाँ जो हवाई जहाज लाखों जहाज फ्लाइटें उड़ती हैं, इसका जो ईंधन हवा में उड़ता है ये तो फ़ा में आलूदगी साफ ही नहीं होती, ये तो बादलों के ऊपर है, वो बारिशें होती हैं तो वो तो नीचे होती हैं, जो इनकी गाड़ियाँ इंजन बसों की तो आलूदगी साफ हो जाती है, कुछ ऊपर तो एक बीमारी मौजूद है मुस्तकिल, जो हमारे पास हमारे हमें एक धुएँ और एक के गौर में डूबे हुए थे। फिर हमारे बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर, सॉयल, हर चीज़ में बड़ा गर्क हो गया। और उसमें हुआ ये कि जो अमीर तबका था वो अमीर होता चला गया, वो मिनरल वाटर महंगे वाला ले लिया, बड़े घर खुली जगह पर, जो आम तबका गरीब तबका वो तो ब्लॉक हो गया। तो आई थिंक एक तरह से एक वार्निंग सेल वार्निंग कॉल आई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आई थिंक इसके नतीजे में बहुत सारी चेंजेस मतवक्को हैं ट्रांसपोर्टेशन में, टूरिज्म में, फूड में, टेक्सटाइल में, और इंसानों को रवैयों में भी शॉर्ट टर्म में शायद कुछ चेंज आ जाए। वैसे तो बनी इसराइल की कहानियां मौजूद हैं कि वो थोड़ी देर चेंज आती है, वो फिर जो है वो उनके ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया गया था, थोड़ी देर को माने वो पहाड़ हटाया वो फिर बदल गया। तो वो रवैयों में भी चेंज आने की थोड़ी देर में शॉर्ट टर्म में है चांसेस कि थोड़ा सा सफाई का शायद ख्याल आ जाए, हाइजीन का, न्यूट्रिशन का, हाथ धोने का थोड़ा सा अल्लाह की तरफ रुख बढ़ जाए। लेकिन अभी भी आप देखें कि लोग उस तरह से सीरियस नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ रजू की कैफियत होनी चाहिए। तो चेंजेस टूरिज्म में, ट्रैवलिंग में, होटलिंग में कमी आ रही है शदीद किस्म की। अच्छा, इस तरह एजुकेशन के ऊपर चेंज आने का तवक्को है कि तो उसके नतीजे में होगा क्या। अब एयरबीएनबी ने क्या किया, एयरबीएनबी के तो होटल बुक होने बंद हो गए। अब उन्होंने पता क्या किया, हाय हाय सही, पता है आपको क्या किया अमर सर, वो इनोवेशन लेकर आ गए। जी जी, उन्होंने ये कहा कि जनाब आप लोग ट्रैवल तो नहीं करेंगे, होटल तो इस्तेमाल ही नहीं होगी, हम क्या करें। तो जो हमारे होटल वाले हैं उनके एयरबीएनबी पे जिन लोगों ने रजिस्टर कराए हुए थे कमरे, उन्होंने उनसे कहा कि आप में से जो जिसकी हॉबी है, पैशन है कॉफ़ी बनाने का, मुर्ग कढ़ाई बनाने का, किसी ने कुत्ता पाला हुआ, कुत्ते पालने के टिप्स, बिल्ली पाली, बिल्ली पालने के टिप्स, किसी के घर के पास फॉर्म है, और किसी किसी को बॉडी बिल्डर है, तो हर आदमी अपना टाइम बेचे 15 मिनट आधा घंटा, तो एयरबीएनबी के आज पर अगर आप किसी से कॉफ़ी बनाने का तरीका सीखने जाते हैं $15 दें और वो आपको जनाब लाइव जूम पे आपको सिखा देगा। कोई ओलंपियन है वो आपको अपनी कहानी बताएगा, कि वो आपको कहानी सुना देगा, स्टोरी टेलिंग कर देगा। किसने भेड़े पाले भी हैं 4, तो वो आपको अपने फॉर्म में कैमरा ऑन करेगा, भेड़ों के बारे में बताएगा, उनकी हरकत बताएगा। तो ये एक नया बिजनेस खुल गया। सही, क्योंकि तो ये अभी बहुत सारे बिजनेस तो अभी हमें मालूम भी नहीं है क्या, ये अल्लाह ताला के इल्म में। लेकिन आपने देखा ना एयरबीएनबी ने एक और इसी तरह ऑनलाइन टीचिंग को फ़रोग मिलेगा। ये 7-8 सालों से बैप्सन वाले काम कर रहे थे, और डॉक्टर सफराज भी हमारे दोस्त न्यूयॉर्क में बार बार कहते थे यार ऑनलाइन शुरू करो, हम कहते थे सर आप कौन सी दुनिया की बातें करते हैं यार,
सर ऑनलाइन पे तो आप हम उनका बात ही नहीं मानते थे। अमेरिका में बहुत सारे एमबीए प्रोग्राम ऑनलाइन हो चुके थे 4-5 सालों से, तो सही सही अभी इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए खतरे की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई, क्योंकि सही। आप मलिक साहब जब कोर्स करा देंगे, हाँ जी छोटे छोटे कोर्स, नहीं आप कराएं बिल्कुल जनाब, मैं तो आज आपकी प्रमोशन नहीं करूंगा, आज सीईटी का नहीं, मैंने नहीं कराना वो, जिसको अच्छा हाँ जी वो जिसने तलाश करना खुद ही पहुंच जाए। अमेर साहब का भी कोर्स बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और आमीन तो वो जनाब बहुत सारी चेंजेस आने की तवक्को है। सही ठीक एक चेंज तो ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं इनको अल्लाह सुब्हान ताला इनको आजजी इंकसारी नसीब फरमाए, और आमीन यूनिवर्सिटी को आजजी इंकसारी नसीब फरमाए, उसातज़ा कराम को कुछ चेंज होने की जरूरत है, ये मतवक्को है। उसके नतीजे में फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। सही हाँ जी देखा ना, तो अब एयरबीएनबी का मॉडल है, ऑनलाइन टीचिंग के कंसल्टिंग के मॉडल्स हैं, और होम ऑफिस से काम करने के मॉडल्स हैं, सही और ये होम बेस्ड फार्मिंग के इम्कान बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे हैं कि हाँ जिसके पास छत है, थोड़ी सी भी जगह है, तो वो टमाटर कोई ना कोई चीज़ उगा ले। और हमारे दोस्त हैं आसफ खान साहब हैदराबाद में, और वो उसके ऊपर काम करने को बड़ तोल रहे हैं कि वो लोगों को आगही दें, और वो उनका सिस्टम हो लोगों के घरों से टमाटर पे आ चीज़ें उठा ले और उसका हमको पेमेंट कर दे। तो घरों से टीचर, मेंटरिंग, कोचिंग, नेटवर्किंग, सही तो ये एक लाम है, ये जितने बनते हैं ना उतने आइडियाज हैं एक्चुअली। सही ये कैसे वो ऐनक पहनेंगे ना, वो मेरी ऐनक वो मैं अंदर से मंगवाता है हूँ। तो दिखा, है तो हाँ दिखाने बिल्कुल, अपना रफा या वो ऐनक ला दोगे जरा यार, मेमन पन की। तो जना सही मेमन पन जो है ना उसकी ऐनक, ये मोहब्बत से मेमन कहते हैं, सही मेमन का वैसे तो सारे मेमन पन भी कोई मेमन को हम मोमन से ताबीर करते हैं, बड़ी ऐनक बता देंगे। मेमन का मतलब है मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, मेकिंग इनफ मनी आउट नो मनी। जी लिखते हैं ना यहाँ पे जी मैं लिखा मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। ये मेमन के बारे में नहीं, ये हर एक हर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर के बारे में। ठीक है थैंक यू। तो जनाब जब ये ऐनक पहनेंगे ना, मैं साहब मैं बात क्या कह रहा था, जी जब ये ऐनक पहनेंगे ना आईबी सॉरी लम्स आईबी हार्वर्ड इंसियाट की ऐनक की बजाय कॉजेशन की ऐनक की बजाय ये ऐनक पहनेंगे ना, तो फिर जनाब आप अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हैंड वॉश है ना, ये मैं हार्वर्ड के बंदे को कहूँ ना, ये आम आदमी अगर 500 का बनाता है ना, तो आम आदमी तो हार्वर्ड आईबी लम्स का ये बंदा इंशाल्लाह 5,000 की बना कर देगा, सही 500 की चीज 5,000 की बना कर देगा। यही मैं अमेर मलिक साहब को या किसी शख्सियत पॉलिटिकनिक मेमन को दूंगा ना, इंशाल्लाह 50 रुपये की बना देगा, 200 की, 500 हो सकता है मुफ्त ही बना दूँ। अमेर साहब को अगर मैं कहूँगा ना, तो शायद मुफ्त ही कहीं ना कहीं से ये किसी को सेल करके ना उसको कहेंगे यार सामान दो बाद में पेमेंट करूंगा, सही और प्रॉफिट होगा ना उसमें से हिस्सा ले ले। तो ये ऐसा क्रिएटिव मॉडल लेकर आएंगे कि वो जनाब इसको हम कहते हैं मेमन पन। तो सही ये जो है ना ये चीज जनाब यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, ये बापों के ढेरों से मिलती है। इशफाक अहमद साहब कहते थे ये बापों के ढेरों से मिलती है। तो इस वक्त सही बापे भी ऑनलाइन हो जाएंगे मैथ सर, तो जी जी बापा ऑनलाइन जो है ना, बाबा ऑनलाइन ये भी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल आई थिंक काफी निकल के सामने आएगा इंशाल्लाह। सही इस पोस्ट को भी हम मुतवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह एक ऐसी दुनिया बने जो माहौलियाती और अखलाकी और समाजी चीज़ों का ख्याल रखते चले, और सही इंसान को इस दुनिया ने, 100 साल की दुनिया ने, इस ख्यालात ने, तालीम ने हमारी ख्वाहिशात को ज़रूरत बना दिया था, सही हमारी वांट्स को नीड बना दिया था। तो एक अल्लाह करे ये जरिया बन जाए, हम सब मिलकर जोर लगाएं और हमें ये लोगों को इसके ट्रेन करें कि भाई अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखो। और यूनाइटेड नेशंस भी इसके ऊपर परेशान है कि सही यूनाइटेड नेशंस के जो 17-18 SDGs है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जी जी तो वो भी अब बहुत एक्टिव हो गए हैं, और वो बेचारे भी बार बार कह रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे। तो सही मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में चेंज आएगी, और जो नहीं आएगा वो खुद फिर नुकसान उठाएगा, नुकसान सही सही उठाएगा, वो रह जाएगा पीछे। जी थैंक यू, बस मिनट अच्छा अभी मेरे पास, आई हैव 10 more minutes। ठीक है सर, बस मैं चाहूंगा बस वो कोई एक स्टोरी सुना दें कि जो जो आइडिया लेकर आया हो और उसने आइडिया से काम करते ही उसको इम्प्लीमेंट करके रियल कर लिया, और कुछ आपके जुमले और इरशादात हम लोगों तक पहुंचे, जैसे मेमन वाला था, एक दो और जो आपके वो है ना की वर्ड्स, वो अच्छा की ये वर्ड्स लोगों तक तो पहुंचे। जनाब ठीक हमारा कीवर्ड है JNP, जाने ना है पाए। JNP जी तो JNP हम, तो ये तो मोहब्बत से हम कहते हैं, जाने ना पाए से मुराद ये है कि
जब आप इकबाल कहते हैं ना, खुदी में डूब कर अज्म और हिम्मत वालों ने, खुदी में डूब कर अज्म और हिम्मत वालों ने, इस आबजू से किए बहरे वे कराम पैदा। आबजू कहते हैं नदी को, तो असल में खुद ही पैदा करनी है, और अज्म और हिम्मत, डिटर्मिनेशन। सही जेएनपीएम कहते हैं कि मैं ऐसा भी शुरू किया ना काम, तो डट जाना यार, इसको जाने ना दो, अब सही जाने नहीं दे रहा, अब सही लग जाओ, 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये इसको बेच कर आओ, सही। ठीक है जी। इसका और टर्मिनोलॉजी है, अब अल्लाह ताला याद करा दे। मेरा सोची दिए सोची पिया थे। अच्छा, सोची पे वो बंदा गया, ये तो पंजाबी का, ये तो खैर हम कहते हैं कि यार गोरों ने अपनी टर्मिनोलॉजी बनाई है, तो हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को कि हमने गोरों से मोहब्बत करनी है, हम उनसे सीखेंगे, लेकिन हम अपनी दुनिया हम बनाएंगे, अपनी टर्मिनोलॉजी हम खुद क्यों नहीं बनाते यार। सही सही हमारा हर बंदा अपनी टर्मिनोलॉजी बनाएंगे, अपनी सोच सोचेंगे यार। मैं माइकल पॉटलर और पॉटलर और हाँ जी, ये इंसान है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी रिस्पेक्टफुल है, मैं इनके भी बेस इनको भी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, इनके साथ भी हमने मोहब्बत वाला सलूक करना है, सही लेकिन मैं हर वक्त यार पीछे ही लगा हुआ हूँ, फॉलोअर ही यार, ये क्या चीज है। सही किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, कौन नहीं चाहता कि मैं आगे निकलूं, कौन नहीं चाहता मैं और आगे निकलूं। सरवरी कहते हैं हायर पोजिशन। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, खुद ही की हो जिसमें मौत, वो सरवरी क्या है, जिसमें मेरा सेल्फ मर जाए और मैं मांगने वाला बन जाऊं, मिन मिन करता रहूं, मैं मांगूंगा, उसमें एक तरीका है वो हम सिखाते हैं, उसको कहते हैं इफेक्चुअल एस्क। मैं मांगूंगा और लेकिन ज्यादा दूंगा यार, मावनत दूंगा मैं, सर ये एक आइडिया आया है, क्यों ना मिलकर करें सर, इसमें मुझे भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा, सही ठीक है जी। तो वो मावनत है, सही तो हम दूसरों को फायदा सोच रहे हैं, तो हमारा ये भगारियों वाला जहन खत्म करना है, सही और हमें 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 खुद ही और हम मुतासर हैं, हम गोरों की किताबों से, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स की किताबों से मुतासर हैं, उस तासर को तोड़ना है कि ये मैं जो थ्योरी पढ़ रहा हूँ ना, ये थ्योरी मैं इसको चैलेंज करूंगा, मैं इसको देखूंगा, इसमें हो सकता गलती हो कोई, मैं इसको मनो नहीं मानूंगा, मैं इसको प्रोस एंड कॉन्स देखूंगा, ठीक है जी। तो वो तो ये तो इसमें जो कहानी है, मुख्तसर सी कहानी ये है कि जनाब माशाल्लाह अल्लाह ताला हर रोज ही कोने को कहानी सुना देता है यार, हर रोज ही कोने को कहानी अल्लाह ताला दिखाने का मौका देता है, वो मेहर साहब भी काम करते हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला तौफीक दे कि हर रोज ही हमें ये कहना पड़ता है रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला। हाँ जी, जो अभी हमारे पास वो लड़का अदनान है जी जो जी मदरसे का तालिब इल्म है, सही और वो जनाब किया हुआ है, दरस निज़ामी किया हुआ है, अब वो जनाब मदरसे में हमने एक सेशन किया 2 घंटे का, ये 2 घंटे का सेशन भी काफ़ी हो जाता है, सही ये इंटरेस्टिंग इनोवेशन, इसको कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। सही यानी आप एक तराजू लें, एक तराजू में MBA एक तरफ रख दें और 2 घंटे एकदम और दूसरी तरफ 2 घंटे रख दें और अल्लाह का फजल, तो ये दो बेशक घंटे भारी पड़ जाते हैं, ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो वो बेशक जनाब उसने आइडिया लिया, उसने कहा सर वो मेरा तो बर्थडे नाइट है, मेरे जानने वाले हैं वो कपड़े कपड़े बेचते हैं, मुझे सलवार कमीज पसंद है, डिजाइनिंग का शौक है, रिश्तेदार दोस्त हैं, मैं 4 सूट का कपड़ा खरीदता हूँ, 4-5 हज़ार अफोर्डेबल लॉस है, 4 हज़ार ज़ाया भी हो जाए तो क्या होगा, 4 हज़ार के कपड़े सिलवाए, 7-5-6 दोस्तों को कहा, जितने के बनाए थे उतने के बेच दिए, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, अखलाक, मोहब्बत, सच्चाई, 4 बिक गए, चारों ने पहने, इनको जिस जिसने देखा उसने क्या कहा होगा, हम ऐसा कहाँ से लिया, कितने का लिया, यानी कहाँ से लिया, किसने लिया, किसने फिर बनाया, हिम्मत बढ़ गई। तो वो जनाब मार्केटिंग हो गई। तो हम ये कहते हैं कि जो जाली मार्केटिंग है ना अखबारों टीवी के सही जरिए, ये कौन सी मार्केटिंग है। अब टाइम थोड़ा, वरना इकबाल का एक और शेर सुना देते। हाँ जी, तो वो जी वो जी इकबाल जी कहते हैं कि औरों का है पैगाम और औरों का है कलाम, और मेरा कलाम और है इश्क के दर्द मन का तर्ज़े कलाम और है। जो आदमी अपने काम काम में इश्क में डूबा हुआ हो, उसको फिर इंग्लिश और एक्सेंट लैंग्वेज लैंग्वेज होगा तो ठीक, नहीं होगा फिर भी ठीक,
वो कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो अदनान साहब ने 4 सूट बेचे, बड़ा बहुत फैला। सही उसने पिछले रमजान में कहते सर 1.5-2 लाख रुपए के मैंने कपड़े बेच दिए। अब वो बच्चा है जिसने ना बीकॉम किया, ना सही एडमिशन टेस्ट दिया, ना बीबीए किया। अब ये आप बताओ जनाब, अब पंजाबी में कहते हैं मंजी कितने डाई है, मुहावरा है कि जनाब आप बताओ आप क्या करें। आप तो बड़े बने फिरते थे, सही आप बड़े बने फिरते थे, हाँ जी चुप हैं वो जुबान दराज, जुबान पे जिनको नाज था चुप हो गए जुबान दराज। तो उसके बाद उसने माशाल्लाह इसको फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन वो मुझे मिलने आया, कहने का डॉक्टर साहब टोपी कहाँ से ली। मैंने कहा यार जे डॉट से खरीदी हुई है। तो कहने लगा कि सर ये मेरे पास तो कपड़ा बचा हुआ है, मुझे एक आइडिया आ गया कि मैं इससे ना टोपियाँ बना लेता हूँ। वो गया दर्जियों के पास टोपियाँ बनवा ली, सही सब वो बिक नहीं रही थी, कीमत सही नहीं थी। तो उसको अचानक अल्लाह का गैबी निज़ाम आया, उसके घर में एक आंटी दूर की आई मिलने और कहने लगी कि बेटा ये टोपियाँ क्या कर रही पड़ी हुई। उनका आंटी बिक नहीं रही, कहेंगी बेटा मेरे बेटे ने सऊदी अरब में मस्जिद नबी के बाहर एक दुकान खोल ली, तुम जाना ये व्हाट्सएप नंबर लेकर उसकी तस्वीरें भेजो। उसने तस्वीरें भेजी, उसने पसंद आ गई, उसने कहा भेजो मुझे। अब ये IBA लम्स और सर सैयद कुब्स कभी पढ़ा होता ना, तो उसने स्ट्रेटेजी प्लानिंग शुरू कर दी। जी, और उसने देखा कि मेरे मोहल्ले में दोस्त हैं और वो कुछ लोग गुमराह करने जा रहे हैं। उसने कहा अंकल वाह वाह आप कितनी अच्छी, आप मेरे ये सामान ले लें, 10 टोपियाँ ले लें, 20 टोपियाँ। मतलब मैं इस ये नहीं कह रहा कि हम लालच से करेंगे, मोहब्बत और इखलाक से पेश आएंगे। हम उस तरह की कमीनापन नहीं करेंगे कि मतलब की दोस्ती, हम देने वालों की दोस्ती, हम दुआओं के लिए। सही तो ये देखें जैसे वो अपने बेटे को कहना पानी पिला मांग लो, ये शिर्क नहीं कहते इसको, इसको मांगना नहीं कहते, ये हमें फर्क रखना सही पड़ेगा। सही तो वो 2 टोपियाँ ले गए, DCS DHL के पैसे नहीं लगे, उसको पसंद आ गई, उसने उनसे ऑर्डर तय हो गया। और उस वक्त अल्लाह की तरफ से उनकी डील रियालों में तय हो गई, 30 रियाल 40 रियाल की टोपियाँ होंगी। और चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो गई। अब अल्लाह ताला ने इसकी मदद कर दी, अब ये हर महीने जहाँ तक मुझे याद है 1.5 लाख, हर हफ्ते 1.5 लाख की टोपियाँ बेचता है। लाख अभी ये वही है ना, इन्होंने अभी कोविड में भी तो गाड़ी लेके भेज दी थी ना, वो गाड़ी बेची, साबुन बना लिया, लास्ट। हैंड जी सैनिटेशन बना लिया। तो अभी देखें ना, इसमें केमिकल इंजीनियर के, कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर्स, वो हमारा कोर्स लिया एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके अंदर उसने जो 7 लड़का था ना वो केमिकल था, उसको दोस्त बना लिया। और केमिकल इंजीनियर सही को अब देखो ना ड्राइव कौन कर रहा है, ड्राइव कर रहा है मैट्रिक पास मैट्रिक बंदा। पास। और केमिकल इंजीनियर को साथ में लाया, आइडिया लिया, रेसिपी बनाई, साबुन बनाया। और अल्लाह की शान हमारे गेस्ट स्पीकर आए हुए थे एक शिकागो से, वो उस दिन आए, उन्होंने साबुन देखा, उन्होंने कहा यार ऑर्डर मैं देता हूँ, तुम जना पता नहीं 200-300 टिक्कियां मुझे भेजो, मैं बेचता हूँ, अगर बिक गया तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे दिया करूँ। अल्लाह की शान सही देखें यार, फिर हमें कहना पड़ता है रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुभानक। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला आपको खैर दे। इस तरह की बेशुमार कहानियां, जजाकल्लाह सर। दादी अम्मा बेटा पोता दादा मैट्रिक फेल, सेकंड डिवीजन, 0 क्लास पढ़ा हुआ, नाबीना, मतलब वो जो भी है ना इंसान, वो इंसान है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए बेशक इस को। अल्लाह मैं तो बहुत थका हुआ था लेकिन आपकी मोहब्बत में, और अल्लाह सुब्हान ताला ने बुला लिया, अल्लाह ताला जजाकल्लाह ने सर, जजाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।